हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा छठवीं गणित के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को देखेंगे। मेरा नाम है सदानंद देसलहरे। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो प्रश्नावली है वो लघुत्तम समापवर्त्य पर आधारित है, ठीक है। इस कारण से सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है उसको समझेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध है उसको देखेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो भाई, लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे छोटी समान अपवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है सबसे छोटी समान अपवर्त्य, ठीक है। अब ये कैसे, इसको समझिएगा, ओके। यहाँ पर मैं दो संख्याएं ले रहा हूँ, एक संख्या मैं ले रहा हूँ 4 और दूसरी संख्या ले रहा हूँ मैं 3, ठीक है। 4 का अपवर्त्य या फिर हम इसी को गुणज ही बोलते हैं, ठीक है। गुणज का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 का गुना करने से कौन कौन सी संख्या प्राप्त होती है वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, 4 का अपवर्त्य कहलाएगी या फिर गुणज कहलाएगी, ठीक है। तो 4 के अपवर्त्य क्या क्या है भैया, 4 के अपवर्त्य है स्वयं 4, 8, 12, 16, 20, 24, डेढ़ बहुत सारे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 3 का अपवर्त्य, ओके, या हम सिंपली गुणज भी बोल सकते हैं क्योंकि 3 का पहाड़ा पड़ने से प्राप्त होगा। 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, और आगे बढ़ते जाओगे तो और भी आपको मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटी समान अपवर्त्य, वह अपवर्त्य जो दोनों में है, समान मतलब दोनों में होना चाहिए, ठीक है, और सबसे छोटी हो। अब ध्यान दो, यहाँ पर 12 दोनों में है, ये 24 दोनों में है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, 12 है जो कि दोनों में है। तो यहाँ पर सबसे छोटी समान अपवर्त्य, सबसे छोटी समान अपवर्त्य, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, सबसे छोटी मतलब लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम, और समान में जो स है उसके जगह सिर्फ स लिखा है, ठीक है, स मा, और ये न को हटा दिया है ना, और आ को जोड़ दिया, तो समापवर्त्य, समझ आया, समान अपवर्त्य को समापवर्त्य बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर समान अपवर्त्य समापवर्त्य क्या है भाई, 12 है। किन का समापवर्त्य, 3 और 4 का, या बोल सकते हो 4 और 3 का, ठीक है। तो ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब। यदि हम लघुत्तम समापवर्त्य को परिभाषित करना चाहें, लघुत्तम समापवर्त्य, तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे छोटी वह संख्या सबसे छोटी वह संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो।
सबसे छोटी वह संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण देखे थे, ठीक है, कि हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी थी भाई, तीन एवं चार था, ठीक है। अब इनका जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो क्या है, 12 है। यहाँ तक यदि आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिखोगे, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य बराबर, मतलब उसका परिभाषा, सबसे छोटी वह संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। उदाहरण, 3 एवं 4 का लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 12। अब यहाँ पर जो लिखे हैं उसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, 3 एवं 4 के द्वारा जो भाज्य है वो कौन कौन से हैं, 12 हैं, 24 हैं, और आगे बढ़ोगे तो और संख्या आपको मिलती जाएगी, ठीक है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने समझे उसमें 12 और 24 दो संख्याओं को हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर 12 भी भाग जाएगा पूरी तरीके से और 24 भी जाएगा, लेकिन परिभाषा क्या बोलता है, सबसे छोटी वह संख्या है ना, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 12 है जो दी गई दोनों संख्याओं से क्या है, भाग जा सकता है, इसलिए 3 एवं 4 का लघुत्तम 12 है। चलिए अब हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो हमारे किताब में 3 विधियां दी गई हैं। सबसे पहला तो है भैया अपवर्त्य विधि, ठीक है, अपवर्त्य विधि, मैं तो यही बोलूँगा, अपवर्त्य विधि, ठीक है। दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, कई लोग इसको सिर्फ गुणनखंड विधि बोल देते हैं ना, तो गुणनखंड विधि नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है। अरे यार क्यों गलत हो रहे मेरे से। नेक्स्ट है भाग विधि, तो यहाँ पर हम 3 विधि को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, और यदि प्रश्नावली में पर्टिकुलर हमको बोला जाए कि इसी विधि से सॉल्व करो, तब हम उस विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की अपवर्त्य विधि को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं दो संख्याएं ले रहा हूँ, 8 और क्या ले लूँ भाई, 8 और 10 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो संख्याएं ले रहा हूँ, 8 और 10, और इनका लघुत्तम समापवर्त्य हम ज्ञात करेंगे अपवर्त्य विधि के द्वारा, ठीक है। तो 8 के अपवर्त्य, अपवर्त्य को हम एक और शब्द से जानते हैं, गुणज। गुणज का मतलब होता है गुना करने से जन्मा हुआ, मतलब 8 के गुना करने से जन्मा हुआ। अब जो 8 के गुना करने से जन्मेगा वो मतलब कि 8 के पहाड़ा में आएगा, ठीक है। तो 8 के पहाड़ा लिखते हुए यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, ठीक है, सबको लिख दो, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 निया 72, 8 दहम 80, 8 ग्यारह 88, आगे बढ़ोगे तो और मिलते जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ है। इसी तरीके से 10 के अपवर्त्य, या हम सिंपली बोलेंगे गुणज। तो 10 के अपवर्त्य क्या क्या है भाई, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, आगे बढ़ते जाओ मिलते जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ है। अब यहाँ पर आपको लघुत्तम समापवर्त्य कैसे मिलेगा उसको समझिए, 8 एवं 10 के लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। क्या है भाई, सबसे छोटा अपवर्त्य जो दोनों में हो, सबसे छोटा अपवर्त्य जो दोनों में हो, तो ऐसा कौन है, यहाँ पर देखो 40, सबसे छोटा अपवर्त्य क्या है, 40 है जो दोनों में है। इसके अलावा
यहाँ पर आपको 80 भी दोनों में दिखेगा लेकिन वो उससे बड़ा है, तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, इस विधि में यही करना रहता है कि जो भी संख्याएं दी गई है उनके अपवर्त्य को लिखो और अपवर्त्यों में जो सबसे छोटा है और समान है वो आपका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। नेक्स्ट विधि हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में जाने से पहले हमको अभाज्य संख्या क्या होता है इसको समझना होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएं जो सिर्फ एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाज्य हो। वे संख्याएं जो सिर्फ एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब कि पूरी तरीके से भाग जाए। अब देखो यार, आप 5 को 2 से भाग दे सकते हो, आपको आंसर क्या मिलेगा, 2.5। तो दशमलव में नहीं चाहिए, अपन को पूर्णांक में चाहिए आंसर, ठीक है। यदि कहीं पर आपको पूर्णांक में भागफल मिलता है तब आप बोलोगे पूर्णतः विभाज्य है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है पूर्णतः विभाज्यता की, ठीक है। तो वे संख्याएं जो सिर्फ एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाज्य हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, उदाहरण देखो, जीरो को आपको लेना नहीं है ना, जीरो से स्टार्ट करना नहीं, एक। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझने वाली बात है क्या है, देखो यहाँ पर बोला है एक से एवं स्वयं से, तो यहाँ पर जो भाज्य की संख्या है ना, जो भाजक है, भाज्य तो ये खुद है ना, तो जो भाजक है जिससे हम भाग दे सकते हैं, भाजक की संख्या यहाँ पर दो है। भाजक की संख्या क्या है, दो है, मतलब कि दो संख्याओं से भाग जा सकता है, एक तो स्वयं से जाएगा और दूसरा एक से जाएगा। कहने का मतलब है अभाज्य संख्याओं के दो भाजक होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कितने भाजक होते हैं, दो भाजक होते हैं, याद रखना, अभाज्य संख्याओं के कितने भाजक होते हैं, दो भाजक होते हैं। अब यदि मैं बात करूँ एक का, तो एक तो स्वयं एक है और एक से ही भाग जाएगा, तो इसके जो भाजक हैं वो तो सिर्फ एक है, दो नहीं है, ठीक है। इसके भाजक कितने हैं, एक है, तो इस एक को हम क्या बोले, इसको तो हम अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि इस परिभाषा में क्या है भाई, भाजक की संख्या दो होनी चाहिए। इसमें परिभाषा में भाजक की संख्या कितनी बताई गई है, दो बताई गई है, तो उस दृष्टि से एक जो है कि अभाज्य संख्या नहीं है, है ना, और एक जो है कि भाज्य संख्या भी नहीं है। ओके, तो एक क्या है, एक है आपका अद्वितीय संख्या, या बोल सकते हो विशिष्ट संख्या है। एक क्या है आपका, विशिष्ट संख्या है, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है, तो एक से बढ़ते हैं, एक के बाद है दो, दो जो है कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये दो से जाएगा और एक से जाएगा, दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद क्या आता है भैया, ग्यारह, ग्यारह के बाद आता है तेरह, तेरह के बाद सीधा आ जाता है सत्रह, सत्रह के बाद आ जाता है उन्नीस, उन्नीस के बाद बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, ठीक है। तो ये ऐसे आप बढ़ते जाओगे ना तो आपको अभाज्य संख्या मिलेगी, ठीक है। तो ये सब अभाज्य संख्या है। जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे तो इन्हीं संख्याओं का उपयोग होने वाला है, ठीक है, इसलिए इन संख्याओं को अच्छे से याद कर लो। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 16 एवं 32 का लघुत्तम समापवर्त्य अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि उपयोग करना है ना, ऐसे रखो इसको, ठीक है भाई, यहाँ पर 16 को रखो
और फिर ये देखो कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन है जिससे 16 भाग जा सकता है। अब हमारे पास अभाज्य संख्या हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करो कि क्या 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तब आप 3 में जाओ, और 3 से नहीं जाएगा तब आप 5 में जाओगे, फिर उसके बाद 7 में, फिर 11 में, ऐसे। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि छोटी संख्या से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर जो 16 है उसकी इकाई में क्या है, 6 है, ठीक है। 16 की इकाई में क्या है, 6 है, इसका मतलब ये 2 से जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, कितने बार जाएगा, 2 8 16, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे कितने बार में 16 आएगा, 8 बार में। तो जितने बार में आएगा उसको नीचे में लिखोगे। अब 8 जो है कि 2 से जाएगा ही, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, कितने बार में 8 आएगा, 4 बार में, तो 4 को नीचे लिख दिए। फिर 4 भी 2 से भाग जाएगा पूर्णतः, तो 2 को यहाँ पर लिखना, और कितने बार में आएगा, तो 2 बार में। अब 2 तो 2 से जाएगा ही, तो यहाँ पर 2 लिखो, कितने बार में 2 आता है, 1 बार में। तो ऐसे कब तक भाग देना रहता है, जब तक कि नीचे में 1 ना आ जाए। लघुत्तम समापवर्तक में याद रखना हम कब तक भाग देते हैं, जब तक कि नीचे में 1 ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 32 का भी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, कितने बार जाएगा, 16 बार। फिर 2 लिखोगे तो यही सेम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर लाइन से आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब क्या करना है, उसको अपन को 16 बराबर यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा ये वाला, उनको ऐसे गुना के साइन के साथ लिखना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16, 32 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुनी 32, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ ऐसे लेना है, दो दो का जोड़ा बनेगा भैया, यदि यहाँ पर 3 आ गए तो जोड़ा नहीं बनेगा, है ना। 16 एवं 32 का लघुत्तम समापवर्त्य बराबर, जो ये जोड़ा बन रहा है उनमें से सिर्फ आपको एक बार लेना है। यहाँ पर 4 ठोक जोड़ा बना है, तो एक बार लिए तो 4 ठोक 2 लिख दिए। अब ये जो 2 बच रहा है उसको भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब कि जब आपका जोड़ा बनेगा तो उनमें से आपको सिर्फ एक बार लेना है, लेकिन जो जोड़े में नहीं है अलग से बच रहा है उसको भी आपको लेना है, ठीक है। गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 16 एवं 32 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 32 है, ठीक है। कौन सी विधि से ज्ञात की हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये जो गुणनखंड है उनको अपन को अलग अलग प्राप्त करना रहता है, और फिर इस तरीके से लिख कर फिर ऐसे लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, ठीक है। अभी हमने 16 और 32 का लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखा, ठीक है। हम सेम 16 और 32 का लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि के द्वारा देखेंगे। इसमें क्या करना रहता है, सेम आपको ऐसा लाइन खींचना है ना। अब इसका उपयोग किस लिए करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना, दोनों संख्याओं को अल्पविराम लगाकर ऐसा लिख देना है। इसके बाद आपको करना क्या है ये समझिए ध्यान से, ठीक है। आपके पास अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7, है ना, और आगे बढ़ेंगे तो 11 13 17, ऐसे आपके पास अभाज्य संख्याएं। इन्हीं अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हो। आपको ये देखना है कि ये दो छोटी सी छोटी संख्या है, उससे दोनों में से कोई एक भी जा रहा है क्या। यदि दोनों जाता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दोनों भाग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि दोनों भाग नहीं जाता है तो कम से कम कोई एक तो जाए, ऐसा आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 और 32 दोनों जो है कि 2 से जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब देखो यार, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितने बार में 16 आता है, 8 बार में 16 आता है, तो यहाँ पर 8 लिख दो। मतलब कि 16 को 2 से भाग दोगे तो जो भागफल है उसको नीचे में लिखना है।
उसी तरीके से 32 को जब 2 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, 16, उसको नीचे में लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 जो है कि 2 से जा सकता है, 16 भी 2 से जा सकता है, लाइन खींचोगे यहाँ पर 2 लिखोगे, ठीक है। 8 2 का पहाड़ा पढ़ने से कितने बार में आता है, कितने बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 आता है, 4 बार पढ़ोगे तो, और 16 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लिखोगे क्योंकि ये तो जाएगा ही, है ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तब ये 4 आता है, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 4 बार तब ये 8 आता है, यहाँ तक क्लियर। फिर लाइन खींचोगे यहाँ पर, फिर 2 लिखना है क्योंकि ये तो जाएगा ही, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 को 2 से दोगे तो ये अगेन यहाँ पर। अब देखो अभी तक तो दोनों जा रहे थे, अब यहाँ पर ये एक आ गया है, अब इसका अपन को टेंशन नहीं, ये बचा है तो अपन को इसको देखना है कि ये वाला किस से जाएगा। अब ये 2 है तो 2 से ही जाएगा यार, है ना। और यहाँ पर एक आ चुका है तो उस एक को उतार दो। यहाँ पर आपको समझना ये है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या लेना है, भले उससे कोई एक ही संख्या क्यों ना जाए, यदि एक से अधिक संख्याएँ जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो भी कोई बुरा बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या लेना है, इन संख्याओं को भाग देना है, भागफल को नीचे लिखते जाना है, फिर देखना है कि किससे जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक दोनों जा रहे थे, यहाँ पर एक आ गया, अब यहाँ पर ये जो 2 है वो 2 से जाएगा। अब ये एक तो 2 से नहीं जाएगा, लेकिन अपन को तो एक लाना है और एक आ चुका है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख दो, ये जा रहा है इसको यहाँ पर, और इसको जो भाग नहीं जाएगा उसको ज्यों का त्यों उतार दो, जो भाग नहीं जाएगा उसको ज्यों का त्यों आपको उतारना है, क्लियर हो रहा है बात। इसके बाद लघुत्तम समापवर्ती अपन को ज्ञात करना है। और एक चीज़ और देखो यार, जब आपका नीचे में एक और एक आ जाएगा तो और लाइन मत खींच देना, ठीक है। एक एक आ गया नीचे में तो और लाइन खींच के ऐसे खींचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है लाइन से इसको गुना का चिन्ह लगाते हुए लिख दो ऐसे। कितने बार है, 5 बार। 2 का गुना 2 से 5 बार करोगे तो कितना आता है, 32। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती आ रहा है 32, ठीक है। तो होप सो आपको भाग विधि क्या है ये समझ आ गया होगा, है ना। अभी हम प्रश्नावली के प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो ये सब विधि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध है उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध है, ठीक है। देखो यदि हमारे पास 2 संख्या है तो एक को हम बोलेंगे पहली संख्या, क्या बोलोगे, पहली संख्या बोलोगे, ठीक है। और दूसरा को क्या बोलोगे जी, दूसरी संख्या बोलोगे, ठीक है ना। यदि हम पहली संख्या और दूसरी संख्या के मध्य गुना करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही गुणनफल उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बीच में प्राप्त होता है। सिंपल सा है, दोनों संख्याओं के गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये वाला है भाई दोनों के मध्य में संबंध। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे शुरुआत में दिया है मौखिक प्रश्न, मतलब कि इसको कॉपी पेन लेकर हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है कि ऐसी दिमाग में ही इसको सॉल्व कर पाओगे, ऐसा प्रश्न है। लेकिन यार अपने कॉपी में यदि अपन को लिखना है, ठीक है, तो हम एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, इसलिए मैं आपको किस तरीके से लिखना है ये बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो आप प्रश्न का क्रमांक डालोगे, फिर हल लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो जानकारी आपको दिया है, यहाँ पर दिया है ऐसा लिख लेते हैं, अल्पविराम लगाएंगे। फिर उसके बाद जो जानकारी अपन को दिया गया है, जैसे कि महत्तम समापवर्तक 2 दिया है, लघुत्तम समापवर्त्य 12 दिया है, तथा एक संख्या क्या दिया है, एक संख्या अपन को दिया है 6, ठीक है, ये हो गया। अब अपन को रिलेशन पता है कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या गुणित दूसरी संख्या, मतलब 2 संख्याओं का गुना, ठीक है, बराबर होता है
महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक के, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुना महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुना के बराबर होता है। तो ये रिलेशन अपन को पता है, इसी रिलेशन का उपयोग करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक संख्या आपका 6, ठीक है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर दूसरी संख्या ऐसी लिख देते हैं जिसको ज्ञात करना है ना। महत्तम समापवर्तक यहाँ पर दिया है 2, लघुत्तम दिया है 12, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरी संख्या यदि आपको ज्ञात करना है, क्या करना होगा, इस 6 को दूसरे साइड में भेजना होगा, ठीक है। यहाँ पर गुना है, यहाँ पर क्या है, गुना है। तो जब इसको हम दूसरे साइड में जाएंगे तो ये क्या करेगा, दूसरे साइड में भाग करेगा, क्या करेगा, भाग। 6 क्या कर रहा है, यहाँ पर गुना कर रहा है, दूसरे साइड में जाएगा तो वो क्या करेगा, भाग करेगा, क्या करेगा, भाग, किसके साथ करेगा, तो दूसरे साइड में संख्याएं हैं ना उनके साथ। तो यहाँ पर 2 12 24 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 24 लिख देता हूँ, और ये जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाने की जगह बटा का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, और 6 को बटे के नीचे में लिख देते हैं। ये किस चीज़ का चिन्ह है, बटे का चिन्ह है, ठीक है। जनरली हम बटा को कैसे लिखते हैं, जैसे इसी को लिखना है तो हम ऐसा लिख दें, ठीक है, लेकिन ऐसे तिरछा भी लिखा जा सकता है समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। अभी जो हमने किया, यहाँ पर एक संख्या गुना हो रहा था, उसको दूसरे साइड में ले गया और वो क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो इसको बोला जाता है तिर्यक गुना। क्या बोलते हैं भाई, तिर्यक गुना। अब तिर्यक गुना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उस संख्या के बटे के नीचे चले जाता है, इसलिए इसको तिर्यक गुना कह रहे हैं। यहाँ पर ऊपर में था और दूसरे साइड में नीचे में चले गया, ठीक है, क्लियर है बात। 24 को 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 24 को 6 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4, दूसरी संख्या बराबर 4। अब ये तो हो गया लिखने का तरीका, लेकिन मान लो आपको मौखिक बताना है तो क्या करना है, मौखिक बताना है तो सीधा सीधा यार 12 और 2 जो महत्तम और लघुत्तम दिया उनको आपस में गुना कर दो, गुना करोगे तो 24 आएगा। आपको एक संख्या दिया 6, उससे इसको भाग दे दो, है ना, आपको मिल जाएगा 4। तो इतना ही करना रहता है दिमाग में, एकदम से सॉल्व नहीं करना है, लेकिन यदि आप कॉपी में लिख रहे हो तो बाकायदा इस तरीके से लिखो ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहे। प्रश्न यहाँ पर है, दो संख्याओं का गुणनफल 338 है, इनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, ये अपन को पता है। तो कितना होगा आंसर, 338 ही होगा, है ना। अपन यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर, डेस करेंगे, चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल, ठीक है, इसलिए 338, बस इतना ही लिखना है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, 2 6 8 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 3 हल ऐसा लिख लेते हैं, फिर डेस करेंगे, ठीक है। कौन सा विधि से आपको निकलाना है ये आपके ऊपर है, है ना। मैं यहाँ पर भाग विधि का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि भाग विधि सबसे शॉर्टकट और सही तरीका मेरे को लगता है भाई, है ना। बाकी में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन जो भाग विधि है वो अपन को शॉर्टकट आंसर दे देता है, इसलिए अपन भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विधि का नाम लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, भाग विधि, ठीक है। 2 6 8, क्योंकि यहाँ पर 2 आया है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे,
यहाँ पर एक आ गया है, इसका टेंशन नहीं है। यहाँ पर तीन है लेकिन ये दो से भाग नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो चार है ये तो दो से भाग जाएगा ना, तो हम यहाँ पर दो लिखेंगे। एक नहीं जा रहा है तो रहो भैया चुपचाप, तीन भाग नहीं जा रहा है तो तुम भी चुपचाप रहो, है ना। चार भाग जा रहा है तो इसको भाग दे दो, यहाँ पर भागफल को लिख दो। अगेन यहाँ पर दो जो है कि दो से भाग जाएगा, फिर से लिखो इसको। एक नहीं जा रहा है, रुसाया है तो रहने दो इसको। तीन, इसको भी नखरे हैं तो इसको भी रहने दो, है ना। फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद इसको तीन से देना है। दो का केल ख़त्म हो गया है ना, तीन बच गए तो तीन एकम तीन। अब देखो लास्ट में सभी में एक आ गए, इसके बाद इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर जो भी आया है उसको आपस में गुना कर देना है, ठीक है भाई। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठतिया चौबीस, तो यहाँ पर अपन को लघुत्तम मिल रहा है चौबीस, ठीक है। तो ये तो अपन सॉल्व किए हैं उस तरीके से है। यदि आप इसको मौखिक बताना चाहते हो, आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो, तो क्या तरीका है उसको समझना, ठीक है। अपने पास है दो, छः और आठ। यहाँ पर ये देखना है कि आप जो है कि पहले इन दो संख्याओं का लघुत्तम निकला लो, ठीक है। इन दो संख्याओं का क्या कर लो, लघुत्तम निकला लो। तो देखो यार, दो का पहाड़ा पढ़ोगे ना तो छः आता है, जो बड़ी संख्या है वो आ रहा है। दो का पहाड़ा पढ़ोगे तो बड़ी संख्या छः, ये आ जा रहा है, ठीक है। तो दो और छः का लघुत्तम हो गया छः। अब यहाँ पर अपन को सिर्फ देखना है छः और आठ का लघुत्तम, समझ आया। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि छः और ये जो आठ है, ये दोनों जो है कि, है ना, ये दोनों जो है कि किससे भाग जाता है, ये दोनों जो है कि दो से भाग जाता है। ये दो तिया छः है, दो चौक आठ है, उसके बाद ये और भाग नहीं जाएगा। तो और भाग नहीं जाएगा तो अपन को क्या करना है, ऐसा इसको गुना कर देना। छः और आठ दो से भाग जाता है, दो से भाग दोगे तीन और दो से भाग दोगे तो चार बार, है ना। मतलब कि दो तिया छः, दो चौक आठ, ऐसे जाते हैं। और उसके बाद ये और भाग नहीं जाने वाला है तो रुक जाओ और यहाँ पर इसको गुना कर दो। तो दो तिया छः, छः चौक चौबीस, तो यहाँ पर आपको चौबीस आ रहा है। चलिए देखिए चौथा नंबर का प्रश्न क्या बोलता है। सात और चौदह का लघुत्तम समापवर्तक सात से बड़ा है या छोटा। यहाँ पर सात का पहाड़ा पढ़ोगे तो चौदह आता है, सात का पहाड़ा पढ़ोगे तो चौदह आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लघुत्तम क्या है, चौदह है, मतलब कि सात से बड़ा है, ठीक है। आंसर को हम कैसे लिखेंगे, उत्तर, उत्तर नंबर चार, है ना। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी होती है, बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी होती है। इस कारण सात और चौदह, यहाँ पर ना आएगा, है ना। इस कारण सात और चौदह का लघुत्तम समापवर्तक सात से बड़ी होगी, सात से बड़ी होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं यहाँ, है ना। तो याद रखना, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या तो बड़ी संख्या के बराबर होता है, ठीक है, या फिर उससे भी बड़ा होता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो के लिए आखिरी प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्रमांक पाँच, पंद्रह और तीस का लघुत्तम समापवर्तक क्या तीस से कम हो सकता है। देखो भाई, लघुत्तम समापवर्तक या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, उत्तर क्रमांक पाँच क्या होगा भाई, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनमें से बड़ी संख्या
के बराबर या उससे बड़ी होती है, उससे बड़ी होती है, बड़ी होती है। इस कारण पंद्रह और तीस का लघुत्तम अपवर्त्य तीस से कम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पर ये जो मौखिक प्रश्न है ना, ये तो खत्म, यहाँ पर जो ये मौखिक प्रश्न है वो तो ख़त्म हो गया है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी लिखित वाले प्रश्न है उसको देखेंगे, है ना। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।